स्कूल की कराटे एकेडमी के छात्रों ने जीते 2 स्वर्ण पदक, एक रजत और एक कांस्य। ईश्वर इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने अपने स्कूल व अपने परिवार का नाम रोशन किया। ये प्रतियोगिता नेशनल कराटे फेडरेशन के सौजन्य से कुरुक्षेत्र में दिनांक 26 से 28 अगस्त 2022 को संपन्न हुई। सभी भावी छात्रों ने प्रदर्शन कर सभी का दिल जीत लिया। हर्षमीत सिंह ने प्रथम पुरस्कार के रूप में स्वर्ण पदक जीता, वहीं विशाल रजत पदक के साथ दूसरे स्थान पर और योगेश कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। पदक विजेताओं को स्कूल के निदेशक श्री अनिल मलिक व स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव ने विशेष रूप से सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और सभी छात्रों को विजेताओं की तरह अनुशासन और सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा दी। छात्रों की जीत में उनके कोच और जिला कराटे संघ के महासचिव श्री अनिल भारद्वाज का विशेष और अविस्मरणीय योगदान रहा। उन्होंने कहा कि आगे भी खिलाड़ियों का ऐसे ही उत्तम प्रदर्शन जारी रहेगा, जिससे छात्र राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उपलब्धियां हासिल कर सके। गुहाना से राखी कपूर के साथ सोनू पवार की रिपोर्ट। बलराज नाम है जी, मैं इसका फादर हूँ। क्या कहना चाहोगे सर आपके? मैं तो बहुत खुश हूँ जी। बाकी कोच साहब की मेहरबानी है जी। तो यानी आप भी सारा क्रेडिट कोच सर को दे रहे हैं? मेहनत तो जी नहीं, मेहनत कहाँ गई? उनकी तो मेहनत से जी, कोच साहब तो करवाओगे जब भी, तो मेहनत करेंगे। अच्छा आप? हाँ जी, मैं तो ये कहना। तो यानी आप बहुत खुश हैं सर? ठीक है। नमस्कार मैम, मैं ज्योत्सना श्रीवास्तव प्रिंसिपल हूँ ईश्वर इंटरनेशनल स्कूल में। मेरे लिए तो ये बहुत गर्व की बात है कि ये सारे बच्चे मेडल्स लेके आए। हम कोशिश करेंगे कि हमारा स्कूल हमारे देश को रिप्रेजेंट करे आगे। ये बहुत अच्छी बात कही है कि हमारा स्कूल पूरे देश को जो है रिप्रेजेंट करे। इसके लिए यहाँ आज इनके पेरेंट्स जो हैं सभी आए हुए हैं। आप इनको और इन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे कोच को बताइए, आप मेन क्रेडिट तो कोच को जा रहा है। कोच को, कोच ने इतनी प्रैक्टिस की है, करवाई है साथ में, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इनके लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत मेहनती हैं और मुझे लगता है आगे भी ऐसी मेहनत करेंगे और हो सकता है हमारा स्कूल अगली बार उसके बच्चे जो हैं वो हमारे देश को एशियाड में, एशियन गेम्स में या ओलंपिक्स में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें, मुझे पूरा विश्वास है इनके ऊपर। ये बहुत अच्छी बात है मैडम, एक छोटे से जगह से उठ करके एक बड़ी जगह पे जाना और इन बच्चों ने जो है नेशनल लेवल पे सारा गेम जो है खेला और यहाँ पे अपने लिए मेडल अपने स्कूल के लिए लेके आए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और सर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा क्रेडिट जैसे प्रिंसिपल मैडम हैं, अपने कोच साहब हैं, अनिल जी हैं ये, और ये बच्चे भी सुबह, ये मैं जब देखता हूँ अक्सर मैं स्कूल में ही होता हूँ सुबह, तो ये 5 बजे यहाँ स्कूल में पहुँच चुके होते हैं और जबकि ये यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर से आते हैं बच्चे, तो इन्होंने इतनी मेहनत करते हैं सुबह। अब तो खैर इन्होंने स्कूटी ले ली, नहीं तो ये साइकिल पे आते थे। सीखने का जज्बा है, सीखने का इतना जज्बा है इन बच्चों को भाई, नो डाउट ये मेहनत तो कर ही रहे हैं। और अनिल जी भी ये सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करवाते हैं इनकी और बड़ी लगन से जहाँ भी जाते हैं, एक बच्चा भी जाता है तो उनके खुद साथ जाते हैं, वह बच्चा कोई गलती ना करे तो उसके लिए ये साथ रहते हैं बिल्कुल बच्चे। यानी कि सबसे ज्यादा क्रेडिट भी आप अनिल सर को ही देना चाहेंगे। धन्यवाद सर। मेरा नाम मीता और मैं इसी स्कूल में प्रैक्टिस करता हूँ और मुझे यह जीत कर बहुत ही खुशी हो रही है। बेटा आप कहाँ से हो? मैं बड़ौता से हूँ। बड़ौता से ही हो? तो आपका किसके साथ मैच हुआ बेटा? मेरा राजस्थान के लड़के के साथ हुआ था। फाइनल में मेरे अंक 3-1, 3-1 था। आपको कौन सा मेडल मिला बेटा? गोल्ड। गोल्ड मेडल, क्लैपिंग होनी चाहिए इसके लिए तो। गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। आइए जानते हैं। हाँ जी सर, बताइए आप किस वजह से आज सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, किस वजह से आपको ये हार पहनाए जा रहे हैं, क्या कुछ है, खुशी का माहौल बना हुआ है, आप बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ? जी नमस्कार मैडम। मैडम ये बच्चे नेशनल में गए थे। मेरा नाम अनिल भारद्वाज है, मैं कराटे कोच हूँ और स्कूल में DP हूँ। ये बच्चे नेशनल के लिए गए थे। नेशनल में 2 बच्चों ने तो गोल्ड मेडल जीते हैं, एक बच्चे ने सिल्वर, एक ने ब्रॉन्ज। हमारे यहाँ से 12 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया जिनमें से 4 बच्चों का मेडल आया है। ईश्वर इंटरनेशनल स्कूल के जो कराटे में यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, 4 बच्चों ने यहाँ पे पदक जीते हैं और ये कुरुक्षेत्र में हुई थी मैम 26 से 28 तारीख तक नेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की नेशनल फेडरेशन ने। जी मैडम, इसमें कितने स्कूलों ने जो है पार्टिसिपेट कर रखा था? मैम इसमें स्कूल स्टेटेज होती हैं, अलग अलग स्टेट से बच्चे आए थे। हाँ जी, स्टेट वाइज था, स्टेट वाइज था, नेशनल था ना मैडम, तो अलग अलग स्टेट से बच्चे आए थे
तो ये सभी कैटेगरी थी हैं, जैसे जूनियर, सब जूनियर, सीनियर, सीनियर तक थे, सभी कैटेगरी के बच्चे आए हुए थे, अलग अलग स्टेट से आए थे। सर ये इतने आपके लिए जीत के लाए हैं, ये मेडल लेके आए हैं, आपको इस आपको इन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप, ये बताइए। मैम मेरे लिए तो गर्व की बात है, जो मैं बच्चों को सुबह शाम, यहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्होंने आज दिखाया है कि जो सुबह और शाम को मेहनत करते हैं आज मेडल लेके आए हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है और अपने अपने देश के लिए बात है, स्कूल के लिए कितने गर्व की बात है। मैम ये बच्चों ने इतनी मेहनत से मेडल लेके आए हैं, यानी कि आप बहुत खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ मैम। चलो जानते हैं आगे इन बच्चों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। मेरा नाम अर्ष है, मैं यहाँ पर कराटे खेलता हूँ और हम कुरुक्षेत्र खेलने गए थे, वहाँ पर हमने जीता रही, हमारी 4 फाइट हुई थी और फाइनल फाइट हमारी हैदराबाद वाले बच्चे के साथ हुई थी, हम 6-2 के अंक से जीते थे। और तो फाइनल जो आपका हुआ हैदराबाद के साथ हुआ, जिसमें इन ईश्वर इंटरनेशनल स्कूल ने जो है बच्चों ने उनको अपना नाम बनाया है। हाँ तो बताइए इसमें क्या कह रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जो हम जीते हैं। मैं ईश्वर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ और यहाँ पर ही प्रैक्टिस करता हूँ सुबह शाम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम योगेश है, हम यहीं पे स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं और जो मेरी फाइनल फाइट हुई थी वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी के साथ हुई थी और मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी मेडल है जो यूनिवर्सिटी गेम्स। बेटा आप इसके लिए अपने कोच को ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे या फिर अपने प्रिंसिपल सर को, प्रिंसिपल मैम को जो है कहेंगे कि भाई हाँ इन्होंने हमारा साथ। मैम साथ तो सभी ने दिया लेकिन कोच ने मेहनत ज़्यादा करवाई है ना, उसी का नतीजा ज़्यादा आया है। तो यानी कोच को सारा क्रेडिट जा रहा है। कोच को भी और स्कूल्स के प्रिंसिपल को भी, स्टाफ को, सभी को क्रेडिट जा रहा है जो हमें पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा मेहनत के लिए हमें ऑल दे रखा है, किट वगैरह पूरी, ड्रेस वगैरह स्कूल। अच्छा, हर चीज की फैसिलिटी दे रखी है आपको यहाँ पे। पूरी फैसिलिटी स्कूल ने दे रखी है। तो जो वहाँ आपका फाइनल हुआ था वो किसके साथ हुआ था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ स्टेट के साथ। चंडीगढ़ के साथ हुआ था आपका फाइनल, ठीक है। कितने अंकों से आप जीते। मैं मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। ब्रॉन्ज मेडल है आपका, चंडीगढ़ के साथ। यस मैम, ठीक है बेटा। मेरा नाम विशाल है, मैं ईश्वर इंटरनेशनल स्कूल का छात्र हूँ और यहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल के लिए, हमारी स्टेट के लिए मैंने सिल्वर मेडल जीता है। जो मेरी फाइनल फाइट हुई थी वो पंजाब के साथ हुई थी और मैं ऐसे ही आगे बढ़ गए और अपने स्कूल का और अपने स्टेट का नाम रोशन करना चाहता हूँ। आपने जो ये सिल्वर मेडल लिया है इसके लिए आप अपने सर को, डीपी सर को क्या कहना चाहेंगे। सर ने तो बहुत हमारे मतलब साथ दिया है और प्रैक्टिस करवाई है, हार्ड वर्क करवाया है और बस सर की बदौलत हम आज यहाँ पे हैं। तो आगे भी सर के साथ ही बने रहना चाहोगे। हाँ जी बिल्कुल। आपको अच्छा लगा। बिल्कुल अच्छा लग रहा है।